स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मैथ के क्लास में आप लोगों का स्वागत है और अभी हम लोग एडुफेस्ट पर क्लास एट का एन का मैथ पढ़ने जा रहे हैं ठीक है तो चलिए सबसे पहले आपका वेलकम है अपने चैनल पर वेलकम टू तो आवर चैनल एडुफेस्ट स्टूडेंट्स एक बार जान लें कि अक्सर मैंने देखा आज के परिवेश में या बहुत पहले से भी कि स्टूडेंट्स बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि स्टूडेंट को लगभग आठ से दस किसी किसी स्कूलों में तो हम देखें तेरह चौदह सब्जेक्ट तक एक स्टूडेंट को पढ़ना होता है और अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि इन सभी सब्जेक्ट्स में सबसे टफ सबसे भारी सबसे प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में होता है तो मैं समझता हूँ मैक्सिमम आंसर मिलता है मैथ्स में मैथ अक्स, अक्सर है ना स्टूडेंट को डराता है बहुत सारा तो इसमें मेम्स बना चुके हैं है ना मैथ के बारे में मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी तो इस तरह से एकदम डर का माहौल पैदा हो जाता है स्टूडेंट्स के मन में और इसी को आपको निकालना होगा ये डर बिल्कुल निकाल लीजिए क्योंकि जिससे आप जितना ही डरेंगे वो उतना ही आपको डराता है ध्यान रखिए इस चीज को है ना एकदम प्रैक्टिकल है और उसके नज़दीक जाइए उससे दोस्ती कीजिए फिर देखिए बिल्कुल एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए तो जानते हो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आता है आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हो मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर नहीं होता है दूसरी बात एक और प्रॉब्लम है कि मैथ्स को आप एक क्राइटेरिया में बांध देते एक बाउंडेशन में बाउंड्री एक लाइन दे देते हैं कि बस इस क्लास में हैं तो ये मैथ हमको पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल अभी प्रत्यक्ष में मैं बोल दिया कि एट क्लास का मैथ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो क्या सिक्स वाले के लिए वेल्युएबल नहीं है सेवन वाले के लिए वेल्युएबल नहीं है बिल्कुल है नाइन्थ टेंथ में जो पढ़ते हैं उनके लिए नहीं है बिल्कुल है उनके लिए भी है ठीक है तो किसी को भी आप एक बाउंड्री में बाउंडेशन में मत कीजिए बांधिए मत उसको ठीक है ये नॉलेज है आप नॉलेज प्राप्त करते हैं बेसिक नॉलेज इस जरूरी है तो चलिए बातें तो हम लोग करेंगे आज आपको हम बता दें कि इस क्लास में हम लोग जो मैथ है एट लेवल का क्लास नहीं बोलेंगे हम लेवल बोल रहे हैं एट लेवल का तो एट लेवल के मैथ में रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन क्लियर करने जा रहे हैं रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइंस और, और नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें आपका कि रेशनल नंबर्स ना टू फाइव टेन एनी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल numbers और नेचुरल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में कोई रेशनल नंबर आपको चार पांच दस अगर रेशनल नंबर बताना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे या रेशनल नंबर स्मॉलेस्ट देन और ग्रेटेस्ट देन रेशनल नंबर निकालना है पांच रेशनल नंबर निकालना है दो से बड़ा हो या पांच रेशनल नंबर निकालना है जो दो से छोटा हो इन सारे चीजों को हम लोग इस क्लास में अभी समझने जा रहे हैं ठीक है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैथ को एंजॉय करके हर सब्जेक्ट को मैथी क्यों हर सब्जेक्ट को आप एंजॉय करके पढ़िए समझिए इसीलिए इस चैनल का नाम ही है आप देख रहे होंगे है ना एडू फेस्ट एडू मीन्स क्या हुआ एजुकेशन और फेस्ट मीन्स फेस्टिवल एजुकेशन फेस्टिवल एकदम त्यौहार की तरह जैसे आप त्यौहार खुशी से मनाते हैं उसी तरह से आप सब्जेक्ट्स को ईच एंड एवरी प्रत्येक सब्जेक्ट को आप खुशी से पढ़िए मन से पढ़िए बर्डन समझ के कभी मत पढ़िए कभी भी आपके मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है ना हमेशा निकालिए मुझे पढ़ना है और तब देखिए किस तरह से आगे बढ़ते हैं ठीक है ना? तो चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं तो वेलकम है आपका चैनल में एडुफेस्ट में और आज हम लोग देख रहे हैं ये आया आपका क्लास का ठीक है एट क्लास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन नंबर लाइन समझते हैं नंबर लाइन निगेटिव पॉजिटिव एलोंग विथ जीरो निगेटिव में अनंत है माइनस में और पॉजिटिव में भी अनंत है और बीच में जीरो है जीरो एक बेस होता है इसका जीरो से नीचे आएंगे निगेटिव जीरो से ऊपर जाएंगे पॉजिटिव प्लस में और माइनस में तो इसके ऊपर आपका रेशनल नंबर कहाँ आता है इस चीज़ को समझना है बहुत ही बातें इसमें हम लोग समझेंगे बहुत से स्टूडेंट्स तो ये भी नहीं जानते कि अगर आपको एक रेशनल नंबर दिया गया है जिसका डिनोमिनेटर थ्री है और दूसरा नंबर रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर टू है और कहा जाए कि एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए कहेंगे नहीं संभव है लेकिन आप इस क्लास में समझेंगे कि अलग अलग डीनोमिनेटर वाले रेशनल नंबर भी आप एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं दिखा सकते हैं उस सब बातों को हम लोग समझेंगे टॉपिक वाइज क्लियर करते चलेंगे बस ध्यान से आप समझिए पढ़िए और एकदम मन से उसको समझिए ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बस वीडियो लगा दिए देख रहे हैं और ध्यान कहीं और है एकदम हम लोग जो पढ़ाई करते हैं ना दो तरह से होता है एक तो हमारा मुंह बोलता है बस दिमाग दूसरा चीज़ सोचता है और एक होता है कि हमारा दिमाग बोलता है एकदम जो भी हम पढ़ रहे हैं वो मस्तिष्क से पढ़ रहे हैं ब्रेन से पढ़ रहे हैं वही होना चाहिए वही अच्छी पढ़ाई है चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे इसमें ठीक है छोटा बड़ा हो रहा है ओके okay? यस yes. आगे ये है आपका नंबर लाइन ठीक है स्टूडेंट्स ये देखिए पूरा नंबर लाइन है और ये देखिए इधर एरो का मार्क है एरो मीन्स आगे अनंत है अनंत तक जाएगा इसका कोई अंत नहीं है और इधर भी अनंत तक जाएगा दोनों साइड इसी को लाइन कहते हैं लाइन सीगमेंट और लाइन आप समझ लीजिए लाइन क्या होता है जिसमें दोनों तरफ एरो हो उसका अंत नहीं है दोनों साइड पॉजिटिव और निगेटिव में और लाइन सीगमेंट होता है जिसमें दो इन पॉइंट होता है दोनों साइड इन पॉइंट होता है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं तो हम लोग कॉपी पर लाइन सेगमेंट बनाते हैं है ना ए बी जो हुआ वो लाइन सेगमेंट हुआ और लाइन जो होता है अनंत होता है दोनों साइड अब इस नंबर लाइन पर आप कहीं भी जीरो डाल देंगे कहीं भी जीरो लिखेंगे अब जीरो से इधर पॉजिटिव होगा है ना जीरो के इधर पॉजिटिव आएगा और जीरो के इधर निगेटिव होगा ना लेफ्ट में निगेटिव ठीक है निगेटिव आता है और राइट right में पॉजिटिव होता है राइट right में पॉजिटिव ध्यान रखेंगे राइट right में पॉजिटिव और लेफ्ट में निगेटिव होता है ठीक है ना जीरो से जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे वो निगेटिव है और जीरो से इधर पॉजिटिव आता है राइट right में और जैसे जैसे आप लेफ्ट में जाएंगे प्रत्येक ईच एंड एवरी लेफ्ट नंबर अपने राइट right वाले से छोटा होता है ये भी ध्यान रखेंगे जैसे जैसे लेफ्ट की ओर जाते जाएंगे ये स्मॉलर होते जाएगा स्मॉलर ना? और जैसे जैसे राइट right की ओर जाते जाएंगे ये लार्जर होते जाएगा लार्जर ये ध्यान रखेंगे लेफ्ट में प्रत्येक लेफ्ट वाला नंबर अपने राइट वाले नंबर से स्मॉल होता है छोटा होता है और प्रत्येक राइट वाला नंबर अपने लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा होता है एकदम कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखिएगा जैसे माइनस थ्री और माइनस फाइव दोनों में बड़ा कौन है माइनस थ्री ठीक है माइनस फाइव नहीं माइनस फाइव छोटा हो जितना भी माइनस में बढ़ते जाएंगे वो छोटा होते जाएगा चलिए आगे देखते हम लोग नंबर लाइन नंबर लाइन के बारे में समझाया गया है यहां पर कि बिटवीन टू इंटीजर्स दो इंटीजर्स के बीच में इंटीजर्स बताया गया है आपको समझ गए होंगे ना ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर एलोंग विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स द लाइन शुड बी डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच इज सेम एज द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर रेशनल नंबर के डी नोमिनेटर के बराबर जितना भी डी नोमिनेटर हो उतने भाग में हम काट सकते हैं दो लाइन को दो, ने दो, ने इंटीजर दो इंटीजर के बीच में जो नंबर है लाइन है दो इंटीजर्स के बीच में जो लाइन है उसको जैसे ये है आपका और यहाँ पर जीरो है और यहाँ वन है तो जीरो और वन के बीच में बहुत सारे लाइन को हम काट सकते हैं बहुत सारा पार्ट इसका हम बना सकते हैं ठीक है ना एग्जाम्पल टू रिप्रेजेंट वन बाई थ्री देखिए यहां पर है टू रिप्रेजेंट वन बाई थ्री थ्री इक्वल पार्टस आर मेड फ्रॉम जीरो टू वन जीरो से वन तक थ्री इक्वल पार्ट बनाएंगे रिप्रेजेंटिंग वन बाई थ्री टू बाई थ्री थ्री बाई थ्री दैट इज वन रिस्पेक्टिवली ये वन तक चला जाएगा थ्री बाई थ्री करेंगे तो वन हो जाएगा ना तो जीरो से बढ़ेंगे जैसे यहाँ जीरो हुआ तो इसके बाद वन बाई थ्री टू बाई थ्री और जहाँ थ्री बाई थ्री हुआ इट मीन्स क्या हो गया ये कट करके वन हो गया तो यहाँ जीरो है और यहाँ वन है ये जीरो और वन के बीच में ये नंबर आ गए आपके ठीक है तो जितने आपका डिनोमिनेटर पार्ट होता है उतने ही भाग में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं उसको देखिए होल नंबर्स जीरो टू इन्फिनेटिव अनंत तक नेचुरल नंबर वन टू इन्फिनेटिव उसकी इस तरह से नंबर टाइप नंबर टाइप है रेंज ऑफ नंबर जितना भी रेंज हो नंबर्स का उतने पार्ट में हम लोग उसको वो दो इंटीजर के बीच वाला जो पार्ट है उसको डिवाइड कर लेते हैं चलिए आगे नेक्स्ट वही चीज है अभी जो हम लोग समझे नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है वन से ये नेचुरल नंबर और अनंत तक जाता है ये नंबर लाइन पर हम लोग शो कर लेते हैं होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिट भी जाता अंत तक जाता अनंत है ये इसका कोई अंत नहीं है इसी तरह इंटीजर्स है इंटीजर्स मतलब माइनस में माइनस में अनंत से शुरू होता है और प्लस में अनंत तक जाता है रेशनल नंबर्स ना नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक अनंत तक रेशनल नंबर जाते हैं और इन सब को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है सबसे पहले तो नंबर लाइन पर आपको ये भी समझना होगा कि कौन नंबर जो है वो किस इंटीजर्स के बीच में आता है ये जानना जरूरी है कोई रेशनल नंबर दिया गया है तो आप यही नहीं समझ पाते हो कि वो किसके बीच में आएगा वन टू के बीच में आएगा टू थ्री के बीच में आएगा थ्री फोर के बीच में कहाँ पर आ रहा है तो हम लोग इस वीडियो में इस क्लास में अभी उस चीज़ को भी समझेंगे देखिए जो पहले हम बता दिए आपको कि इधर होता है लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर्स और राइट right में पॉजिटिव इंटीजर्स और बीच में क्या होता है जीरो होता है जीरो इज नाइदर नेगेटिव निगेटिव नॉर पॉजिटिव जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है ना इधर पॉजिटिव नॉर निगेटिव चलिए तो ये सब जानते हैं आप पहले से मालूम है अब एक्स्ट्रा हम लोग इस क्लास में क्या सीखने जा रहे हैं वही आपको अब बताएंगे अभी पहले भी बता चुके हैं कि क्या हम लोग एक्स्ट्रा सीखेंगे जैसे दो जो रेशनल नंबर आपको दिया गया है वो किस इंटीजर्स के बीच में आता है हम पहले ही जान जाएंगे कि इसके बीच में आएगा वो ठीक है ना बताएंगे अभी देखिए यहां पर लेटेस्ट लुक एट सम एग्जांपल्स वन ए ये एग्जांपल है नंबर लाइन शोइंग रेशनल नंबर वन बाई टू एंड माइनस वन बाई टू अब एक नंबर लाइन यहां दिया गया है आपको इसमें वन बाई टू को दिखाया गया है माइनस वन बाई टू को इधर और इधर वन बाई टू को अब देखिए डी क्या है इसमें इसमें डी आपका टू है देखिए वन बाई टू है और माइनस वन बाई टू है तो डिनोमिनेटर टू है तो हमने दो इंटीजर्स के बीच के जो लाइन है उसको दो भाग में काटे हैं <coughs> और जितने भाग में काटना होता है एक और जान लीजिए उससे एक कम लाइन खींच दीजिएगा उतना भाग हो जाएगा आपका जैसे पांच टुकड़ा करना है पांच भाग काटना है तो चार लाइन खींचेंगे दो भाग काटना है तो एक लाइन खींचेंगे देखिए जीरो और वन ये दोनों के बीच में एक लाइन खींच दिया गया तो ये दो भाग हो गया जीरो और माइनस वन यहाँ माइनस वन इसके बीच में एक लाइन खींच दिया गया ये हो गया दो भाग अब इसमें से हमको लेना क्या है ऊपर में देखिए वन है नोमरेटर वन है तो इसी वन को नोमरेटर को काउंट कर लेते हैं गिन लेते हैं जीरो से चलेंगे तो यहां वन आएगा तो ये हो गया आपका वन बाय टू यहां शो किया गया है वन बाई टू यहां देख रहे हैं और इधर माइनस वन बाई टू क्लियर है एकदम सिंपल लग रहा होगा बट अभी हम लोग हार्ड की तरफ चल रहे हैं सिंपल टू हार्ड मूव करेंगे समझते जाएंगे और जहां भी डाउट होगा पहले भी बताए हैं आप चैटबॉक्स जो चल रहा है उसमें आप अपना प्रॉब्लम को लिख सकते हैं नेक्स्ट है सिमिलरली वन बाई एट कैन बी रिप्रेजेंटेटेड बाई डिवाइडिंग डिस्टेंस बिटवीन जीरो एंड वन इन एट इक्वल पार्ट्स चलिए टाइम आ गया आपको बता दिया जाए कि हम कैसे जान गए कि ये वन बाई एट जो है ये वन बाई एट ये हमारा जीरो और वन के बीच में आएगा जीरो और वन यहाँ है वन इसके बीच में ही आएगा वन और टू के बीच में नहीं आएगा ठीक है अब एक क्वेश्चन करें आपसे हम कि थ्री बाई टू ये किसके बीच में आएगा प्रॉब्लम होगा सेवन बाई थ्री ये किसके बीच में आएगा तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए मिक्स फ्रैक्शन आता है बताए हुए हैं मिक्स फ्रैक्शन थ्री बाई टू है तो थ्री में आप टू से डिवाइड कर दीजिए थ्री में टू से डिवाइड जो रेशनल नंबर है उसको आप डिवाइड कर दो सीधे टू आजा टू रिमाइंडर क्या बच गया वन इट मीन्स वन से बड़ा होगा और टू से छोटा होगा क्योंकि रिमाइंडर यहाँ बच रहा है ठीक है ना वन रिमाइंडर बचा मतलब वन और टू के बीच में आएगा ये उसी तरह से अगर सेवन बाई थ्री है तो सेवन में थ्री से डिवाइड कर दीजिए थ्री टू जा सिक्स रिमाइंडर वन इट मीन्स ये टू हो गया होल नंबर है ये आपका टू से बड़ा होगा और थ्री से छोटा होगा क्योंकि थ्री टाइम्स आपका डिवाइड नहीं हुआ है और जिस नंबर में डिवाइड न हो एक ही बार एक भी बार में तो समझ लीजिए कि जीरो और वन के बीच में आएगा जैसे वन बाई एट है तो वन में आप एट से डिवाइड करोगे डिवाइड होगा बिल्कुल नहीं होगा डिसमल देना पड़ेगा तब तो ना होगा नेचुरली डिवाइड नहीं होगा तो आप समझ जाएंगे डिवाइड नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए या जीरो बार में कर लीजिए जीरो बार में तो हो ही जाएगा ना एट और जीरो का जीरो होता है रिमाइंडर क्या बचेगा वन मतलब कि जीरो और वन के बीच में आएगा ये जीरो से बड़ा होगा और वन से छोटा होगा क्लियर हो गया कोई भी आपको कोई भी रेशनल नंबर दिया जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो पहले की ये समझिए कि, कि किसके बीच में आएगा और जिन इंटेजर्स के बीच में आ रहा है वो रेशनल नंबर उसी को आप पार्ट कीजिए उसी को पार्ट बनाइए ठीक है ना जितना पार्ट का रहा है डिनोमिनेटर चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे थर्ड तीसरा थर्ड में आपका ये फ्रॉग जंप है ना थर्ड में ए रेशनल नंबर फोर बाई नाइन मीन्स फोर ऑफ नाइन इक्वल पार्ट्स ऑन द राइट ऑफ जीरो राइट ऑफ जीरो क्यों क्योंकि पॉजिटिव है माइनस नहीं है नेगेटिव नहीं है तो जीरो के राइट right में जाएगा अब आप बताइए ये किससे के बीच में आएगा वन और टू के बीच में जीरो वन के बीच में किसके बीच में आएगा इसका इंटीजर्स क्या होगा फोर बाई नाइन का फोर बाई नाइन है तो जनरली हम देख रहे हैं कि डिवाइड नहीं होगा इट मींस जीरो एंड वन जीरो एंड वन इसी के बीच में आएगा जीरो और वन के बीच में आएगा ये जान गए हम तो जीरो और वन यहाँ वन लिख दिए और इसको कितने टुकड़ा करेंगे हम डिनोमिनेटर कितना है नाइन है देख रहे हैं ना तो नाइन पार्ट नाइन पार्ट करने का मतलब एट कट लगाएंगे आठ वो कट लगाएंगे गिन लीजिए कट को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट देखिए आठ गो है एट कट का मतलब कि ये नाइन पार्ट हो गया समझ गया अब नोमिटर देखेंगे नोमिरेटर इसमें क्या है फोर है तो फोर यहां से गिनेंगे जीरो से वन टू थ्री फोर यही है यहां फोर आया तो ये फोर बाई नाइन आपका हो गया रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पर फोर बाई नाइन अगर सेवन बाई नाइन होगा तो यहां आएगा ये सेवन बाई नाइन है ना ये सेवन बाई नाइन होगा ये फोर बाई नाइन है इस तरह से किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना वेरी सिंपल है अगर समझ रहे हैं तो और नहीं समझ रहे हैं तब तो घूमते तो रहेंगे समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ इसको रिप्रेजेंट करें किस पॉइंट पर रखें फोर बाई नाइन को चलिए ओके नेक्स्ट देखिए अगला है आपका एग्जाम्पल वन अब ये एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ आपका रिप्रेजेंट माइनस फाइव बाई सिक्स ऑन द नंबर लाइन माइनस फाइव बाई सिक्स तो किसके बीच में आएगा फाइव में सिक्स से डिवाइड नहीं होगा ओ माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है वो oh, माइनस में हम डिवाइड करेंगे ठीक है ना तो डिवाइड नहीं होगा इससे मतलब कि जीरो और वन के बीच में आएगा बट जीरो के लेफ्ट में होगा जीरो के राइट right में नहीं जाएगा जीरो यहां है तो लेफ्ट में आएगा वन यहाँ माइनस वन लिखा हुआ है अब सिक्स है नीचे सिक्स है तो जीरो से वन के बीच में कितना पार्ट करेंगे हम छ पार्ट करेंगे छः टुकड़ा करेंगे कितने कट लगाएंगे कितने उसमें कट काटेंगे तो फाइव देख लीजिए गिन लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव पांच कट लगाए हैं नमरेटर में क्या है फाइव है तो फाइव वाला आपका आंसर हो गया ये देखिए ये आंसर है आपको माइनस फाइव बाई सिक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया ठीक है एनी प्रॉब्लम क्लियर है चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में है एग्जाम्पल वन था एग्जाम्पल टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया गया है अब आप, आप बताइए इसका फ्रैक्शन बताइएगा कौन कौन फ्रैक्शन यहां पर किया गया है नंबर लाइन पर ठीक है सबसे पहले तो ये बताइए कि पॉजिटिव है कि निगेटिव तो ये निगेटिव है क्योंकि जीरो देखिए यहां पर है और जीरो के लेफ्ट में है सब जितने भी हैं सब लेफ्ट में है आ रहा है ना यहां माइनस वन है तो फर्स्ट जो राउंड किया गया है ये फ्रैक्शन है आपका माइनस टू बाई एलेवन फिर सेकेंड है माइनस फाइव बाई एलेवन और माइनस नाइन बाई एलेवन ये रेशनल नंबर है इसी को रिप्रेजेंट किया गया जो राउंड किया गया ऐसे गोल किया गया है ये रेशनल नंबर्स हैं निगेटिव में ठीक है हाँ एक बात बताना था आपको कि अगर डीनोमिनेटर अलग हो मैंने अनलाइक फ्रैक्शन ये तो सब लाइक like फ्रैक्शन है ना तो अगर मान लीजिए लाइक फ्रैक्शन हुआ सबका नीचे इलेवन है तो आपने इलेवन पार्ट कर दिया मतलब टेन कट कर दिया जीरो और माइनस वन के बीच में और अगर अलग अलग है डिनोमिनेटर और एक ही नंबर लाइन पर आपको शो करना है जैसे हम पहले बताएं आपको स्टार्टिंग में क्लास के स्टार्टिंग में तो उसको कैसे शो करोगे तो उसके लिए बता रहे हैं आपको कि उसको लाइक like फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे ठीक है ना जैसे मान लो आपको दिया गया थ्री बाई टू एंड थ्री बाई फोर ये दोनों को कन्वर्ट करना है मैंने नंबर लाइन पर दिखाना है आपको तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए कि इसको लाइक like फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए ठीक है टू व फोर एल्शियम क्या होगा लाइक like फ्रैक्शन में आता है कन्वर्ट करने इसका डी नोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं एल ऑफ डी नोमिनेटर दोनों एक पर हो जाएगा तो फोर होगा एल इसका तो थ्री बाई टू को आप करेंगे सॉरी थ्री बाई टू है तो कितना आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई टू बाई टू मल्टीप्लाई टू आता है ना क्यों किया गया क्योंकि इस फोर में इसके डी नोमिनेटर से डिवाइड किया गया ये टू से डिवाइड किया गया तो आया हमारे पास टू इसी टू से दोनों में मल्टीप्लाई किया गया तो थ्री टू जा सिक्स सिक्स बाई फोर हो गया और थ्री बाई फोर तो वैसे ही रहेगा थ्री बाई फोर क्योंकि फोर में फोर से डिवाइड करोगे तो वन आएगा तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या हो जाएगा थ्री बाई फोर अब देखिए आपका डी नोमिनेटर लाइक हो गया हो गया लाइक दोनों के नीचे फोर आ गया अब फोर बाई सिक्स बाई फोर एंड थ्री बाई फोर ये दोनों को आप एक नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं ठीक है स्पेस कम है हम इसको डिलीट करके और आगे बता रहे हैं आपको सिक्स बाई फोर समझिए सिक्स बाई फोर क्या है अगर इसको आप कट करके छोटा करोगे तो थ्री बाई टू ही तो है ये थ्री बाई टू है तो एक थ्री बाई टू है एक थ्री बाई फोर है दोनों नंबर है आपके पास अब ये दोनों नंबर को आपको नंबर लाइन पर शो कर लेना है तो थ्री बाई टू की जगह आप सिक्स बाई फोर कर लेंगे सिक्स बाई फोर और थ्री बाई फोर किसी भी नंबर लाइन पर जैसे ये नंबर लाइन है और दोनों पॉजिटिव में है आपका तो यहाँ पर जीरो रखेंगे यहाँ वन लिखेंगे और यहाँ टू लिख दिए ठीक है हमारा नंबर क्या था सिक्स बाई फोर देखिए सिक्स बाई फोर और थ्री बाई फोर यही नंबर था ना सिक्स बाई फोर मतलब टू बाई थ्री था तो सिक्स बाई फोर किए हम तो नीचे फोर है डिनोमिनेटर तो इसको फोर पार्ट करेंगे मतलब तीन कट करेंगे वन टू और थ्री तीन कट किए इसमें भी वन टू और थ्री अब हम नोमिनेटर को काउंट कर लेंगे नोमिनेटर पहला में सिक्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पर आ रहा है तो ये आपका हो गया टू बाई थ्री और दूसरा में थ्री है तो वन टू थ्री यहाँ आ रहा है तो ये हो गया थ्री बाई फोर इस तरह से हमने दोनों नंबर को जो सिक्स बाई फोर था उसको वही टू बाई थ्री है ये ये सिक्स बाई फोर है एक्चुअल में ना? Six by four है ना? सिक्स बाई फोर है ये टू बाई थ्री कर लिए कटा करके तो एक नंबर लाइन पर हमने दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर होते हुए भी एक नंबर लाइन पर हमने दोनों को प्रेजेंट कर दिया रिप्रेजेंट हो गया क्लियर है एलसीएम मैंने लाइक में कन्वर्ट कर लेंगे और लाइक like कन्वर्ट हो गया तो डिनोमिनेटर सेम हो गया कोई दिक्कत नहीं है और एक नंबर लाइन पर आ गया चलिए समझ गया नेक्स्ट देखिए आगे रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर अब दो रेशनल नंबर के बीच में जो चार पाँच छः दस जो रेशनल नंबर आपसे पूछा जाता है उसको कैसे निकालते हैं हम लोग उसको समझिए ठीक है ना देख रहे हैं द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत होते हैं अनंत होते हैं रेशनल नंबर ये नहीं है अब छोटा बच्चा से पूछा जाए थ्री फोर के बीच में क्या होगा तो क्या बताएगा पागल हो ये क्वेश्चन ही गलत है थ्री के बाद तो फोर आता है तो थ्री फोर के बीच में कहाँ से कोई नंबर आएगा जी है कि नहीं लेकिन आप कहेंगे कि नहीं आएगा एक ही नहीं है हजारों नंबर है बहुत सारे नंबर हैं थ्री और फोर के बीच में ये बात आप जानते हैं हम जानते हैं लेकिन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो क्या कहते हो इंटीजर भी नहीं जानता है ना निगेटिव नंबर भी नहीं जानता है सेम क्वेश्चन अगर उससे किया जाए कि फोर में से सिक्स माइनस करेंगे तो कितना आएगा तो क्वेश्चन करने वाले को ही पागल कहेगा कि फोर छोटा है सिक्स बड़ा है तो माइनस क्यों होगा लेकिन हम सब जानते हैं तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारा नॉलेज ग्रो करते जाता है और यही हमारा शिक्षा है यही एजुकेशन है और इसी को ऑब्जर्व करना है समझना है कि हम फोर में से भी सिक्स माइनस कर लेंगे माइनस टू आएगा लेकिन छोटा बच्चा नहीं जानेगा कि माइनस टू आएगा वो कहेगा माइनस टू क्या होता है ठीक है ना तो चलिए देखते हैं हम लोग कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं इन्फिनेटिव रेशनल नंबर्स हैं रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स ठीक है तो देर कैन बी इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर इफेनाइट होता है इनफिनाइट है ना माने अनंत कोई अंत नहीं है दो रेशनल नंबर के बीच में इंफेनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं ये ध्यान रखेंगे जैसे अब आगे हैं फॉर एग्जांपल नेक्स्ट में देखेंगे एग्जांपल में कि एग्जाम्पल है हाउ मनी रेशनल नंबर्स कैन एक्सिस्ट बिटवीन माइनस टू बाई टेन एंड टू बाई टेन माइनस टू बाई टेन एंड देखिए ये माइनस टू बाई टेन एंड टू बाई टेन इसके बीच में कितने रेशनल नंबर हैं हाउ मेनी रेशनल नंबर्स तो हम जानते हैं कि माइनस टू के बाद क्या आता है जब इंटीजियर नंबर लाइन पर देखते हैं हम लोग तो इधर माइनस टू है तो फिर माइनस वन आएगा माइनस वन के बाद फिर जीरो आएगा और उसके बाद वन आएगा और फिर इधर टू आएगा ठीक है सबके नीचे टेन लगा दीजिए ये तो जीरो ही होता है देख लिए, तो माइनस टू बाई टेन और टू बाई टेन ये दो हैं इनके बीच में अभी हमारे सामने एक दो तीन तीन नंबर हैं तो क्या ये तीन ही नंबर हैं कि और भी हैं बिल्कुल और भी हैं ठीक है नेक्स्ट और भी ज़्यादा नंबर अगर निकालना है पाँच दस नंबर निकालना है तो हम इसके साइज़ को बड़ा करेंगे इक्वेलेंट में कन्वर्ट करेंगे राइट right? इक्वेवेलेंट जैसे इसको माइनस फोर कर देंगे माइनस फोर बाई ट्वेंटी मतलब दोनों में टू से मल्टीप्लाई कर देंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझिएगा और इसमें भी हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में और ज़्यादा नंबर निकालना होगा तो अब हमारे पास क्या नंबर आ गया देखिए मिटा करके बता रहे हैं इसको तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा अब अच्छा टेन वाला छोड़ देते हैं नहीं टेन भी मिटाना पड़ेगा क्योंकि ट्वेंटी आएगा अब है ना नीचे ट्वेंटी आएगा लेकिन एक्चुअल में वो नंबर वही है जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है अब हो गया माइनस फोर बाई ट्वेंटी और इधर कितना हो गया फोर बाई ट्वेंटी अब आपके पास कितने नंबर आ गए माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री देखिए कै गो नंबर आ गया आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सात गो नंबर आ गया बट आपका क्वेश्चन तो वही है ना ये जो नंबर है ये नंबर बस इक्वेलेंट में बढ़ गया है ये एक्चुअल में कटाइए तो माइनस टू बाई टेन होगा ठीक है ये माइनस टू बाई टेन ही है ध्यान रखिएगा बड़ा किया गया है अधिक नंबर निकालने के लिए और ये टू बाई टेन है ये अगर इसे कट करेंगे तो ना ये दोनों कट करेंगे तो वही नंबर है आपके और ज्यादा नंबर निकालना है थ्री से मल्टीप्लाई कर लीजिए ना इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे और नंबर की संख्या बढ़ती जाएगी जितना भी नंबर आपको निकालना हो उस हिसाब से आप कर लेंगे देखिए हाँ क्या, क्या किया गया है माइनस टू बाई टेन सोल्यूशन देखिए वी कैन राइट ओके वी कैन राइट लिख रहा है ना माइनस टू बाई नो अच्छा लॉक नहीं किए थे वी कैन राइट माइनस टू बाई टेन एज माइनस ट्वेंटी थाउजेंड बाई क्या देख रहे हैं हंड्रेड थाउजेंड मैंने वन लाख वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड लाख वन लाख लिख सकते हैं हम और टू बाई टेन को भी तरह से लिख सकते हैं क्या किया गया मल्टीप्लाई किया गया एक ही बार में डाल दिया गया इतना नंबर ठीक है अब जितना नंबर आपको निकालना है निकाल लीजिए ये लास्ट नहीं है इसमें और भी ज़्यादा हो सकता है और भी जीरो हम बढ़ा लेंगे क्या अंतर पड़ेगा और जीरो बढ़ जाएगा तो इन्फाइट है जितना भी नंबर हमको निकालना है उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम बीच वाला नंबर इन कर लेंगे बड़ा कर लेते हैं ठीक है चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं दिक्कत होगा तुरंत तो बताइएगा कैसे इसको कन्वर्ट किए कैसे करेंगे हाँ अगर अनलाइक रहता है जैसे दोनों के डिनोमिनेटर टेन है अभी लेकिन अगर अनलाइक रहेगा डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो पहले लाइक में कन्वर्ट कर लेंगे हम और लाइक में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस शुरू करेंगे पहले उस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक बना लेंगे और लाइक फ्रैक्शन में करने के बाद मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस शुरू करेंगे टू से थ्री से टेन 10 से हंड्रेड से ट्वेंटी से जितना भी हमको नंबर चाहिए पहले लाइक कन्वर्ट किए उसके बाद उसको करेंगे चलिए फाइंड टेन रेशनल नंबर बिटवीन थ्री बाई फाइव एंड थ्री बाई फोर देखिए आ गया जो हम आप बताए आपको आ गया थ्री बाई फाइव है एंड थ्री बाई फोर थ्री बाई फाइव एंड थ्री बाई फोर तो ये लाइक like है दोनों देखिए ये फाइव है ये फोर है लाइक like नहीं है तो सबसे पहले इसको लाइक करेंगे और कहे गो टेन रेशनल नंबर निकालना टेन दस तो ट्वेंटी हो जाएगा इसका एल्शियम शॉर्टली बता दे रहे हैं एल्शियम इसका फाइव और फोर एल्शियम हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी में अब फाइव से डिवाइड करेंगे तो फोर आएगा तो थ्री में फोर से और फाइव में फोर से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ट्वेल्व बाई ट्वेंटी और इधर फोर से डिवाइड करेंगे ट्वेंटी में इस फोर से तो फाइव आएगा तो थ्री में फाइव से और फोर में फाइव से करेंगे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा फिफ्टीन बाई ट्वेंटी क्लियर कितना नंबर मिले आपको अभी दोनों के बीच में कितना नंबर आया पाँच गो दस गो आपको निकालना है अभी कितना आ रहा है देखिए ट्वेल्व ये है आपका ट्वेल्व और इधर है फिफ्टीन कितना नंबर मिल रहा है ट्वेल्व के बाद थर्टीन और फोर्टीन बाद तो फिफ्टीन आ जाएगा ना तो दो ही नंबर मिला हमको हमको निकालना कितना है टेन तो इसका मतलब कि हमको इसको और इन करना पड़ेगा और बड़ा करना पड़ेगा अब दोनों में हम वंस अगेन फाइव से मल्टीप्लाई कर देते हैं फाइव से कर दे रहे हैं डायरेक्ट ज़्यादा भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों में फाइव से कर दे रहे हैं फाइव से अब दोनों में सेम से करेंगे है ना क्योंकि वो लाइक हो चुका है अब सेम से हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ट्वेल्व फाइव से सिक्सटी सिक्सटी बाई हंड्रेड हो गया ये और इधर कितना आएगा फिफ्टीन फाइव 75 सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव बाई हंड्रेड हो गया समझ रहे हैं दोनों के नीचे हंड्रेड हो गया अब सिक्सटी और 75 फाइव के बीच में आप कोई भी दस गो नंबर लिख सकते हैं सिक्सटी वन बाई हंड्रेड सिक्सटी टू बाई हंड्रेड सिक्सटी थ्री बाई हंड्रेड ये जितने भी नंबर्स आएंगे ये थ्री बाई फाइव और थ्री बाई फोर के बीच में आएंगे ठीक है आपके पास दस से ज्यादा नंबर आ गया अब उनमें से आप कोई भी दस गो नंबर नोट कर लीजिए राइट डाउन कर लीजिए क्लियर है चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसी का सोल्यूशन है अब द गि नंबर्स कैन बी रिटर्न एज थ्री बाई ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी तो थ्री बाई ट्वेंटी फाइव एंड फोर बाई ट्वेंटी फाइव क्या किया गया है मल्टीप्लाई किया गया है क्यों हंड्रेड बनाने के लिए थ्री मल्टीप्लाई ट्वेंटी किया, फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी जो हम ये बताएं आपको तो आपके पास आ गया सिक्सटी बाई हंड्रेड और सेवेंटी फाइव बाई हंड्रेड अब सिक्सटी और सेवेंटी फाइव के बीच से जितने नंबर हैं उस सबको आप नोट कर लेंगे देखिए सिक्सटी वन बाई हंड्रेड ठीक है सिक्सटी वन बाई हंड्रेड सिक्सटी टू बाई हंड्रेड सिक्सटी थ्री बाई हंड्रेड कोई भी दस गो नंबर आप इसमें से नोट कर लीजिए सेवेंटी वन बाई हंड्रेड हुआ सेवेंटी वन बाई सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर तक आप लिख सकते हैं सेवेंटी फाइव बाई हंड्रेड नहीं लिखिएगा क्योंकि सेवेंटी फाइव बाई हंड्रेड जो होगा वो थ्री बाई फोर हो जाएगा देख लीजिए सेवेंटी फाइव बाई हंड्रेड अगर आप करते हैं तो थ्री बाई फोर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव के टेबल में दोनों आता है थ्री टाइम्स और ये फोर टाइम्स तो थ्री बाई फोर आ गया ठीक है ना और सिक्सटी वन से पहले नहीं लिखेंगे मैंने सिक्सटी बाई हंड्रेड नहीं लिखेंगे क्योंकि okay, वो थ्री बाई फाइव आ जाएगा ओके स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे यही है फाइन टेन रेशनल नंबर वही चीज बताया गया जो आपको अब सब में वही आपको करना है ठीक है तो इसका आंसर हम डायरेक्ट आपको दिखा दे रहे हैं देख लीजिए क्या किया गया है माइनस टू बाई फाइव एंड वन बाई टू ये दोनों के बीच में आपको दस रेशनल नंबर बताने हैं तो माइनस टू बाई फाइव को क्या किया गया माइनस एट बाई ट्वेंटी ठीक है कितने से मल्टीप्लाई हुआ हाँ बोलिए फोर से है ना फोर टू जो एट फोर फाइव या ट्वेंटी और वन बाई टू में टेन से क्योंकि ट्वेंटी बनाना है दोनों को दोनों को ट्वेंटी बनाना है ठीक है ना तो ट्वेंटी बनाने के लिए ये काम किया गया है क्योंकि हमारे पास वो नंबर आ जाए फिर भी नहीं आया तो और इन करेंगे और बड़ा करेंगे कितने टेन रेशनल नंबर बताने हैं और माइनस एट से टेन के बीच में आ जाएगा दस को ना ज़्यादा ही होगा दस से ज़्यादा ही होगा क्लियर है माइनस एट तो वो साथ चलेंगे तो माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर ऐसे करते हुए फिर वन टू थ्री फोर नाइन तक जाएंगे तो इसमें से ज़्यादा भी नंबर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको जितना चाहिए उतना नंबर नोट कर लीजिए ओके चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी चलेंगे फाइंड फाइव रेशनल नंबर विच आर हाँ ये अलग आ गया क्वेश्चन आपका आप देखिए स्मॉलर देन टू टू से छोटा हो ऐसा पांच गो रेशनल नंबर आपको लिखना है जो टू से छोटा हो तो अब क्या करेंगे हम फाइव रेशनल नंबर लिखना है तो फाइव रेशनल नंबर लिखने हैं तो जो टू है इसको हम लोग क्या करेंगे फोर बाय टू कर दे देखिए ये हो जाएगा टू फोर बाय टू मीन्स क्या होता है अगर कटाइएगा टू टू या फोर ये टू ही ना है एक्चुअल में ये टू ही है इसको हम फोर बाई टू में कन्वर्ट कर लिए हैं अब इससे छोटा हमको लिखना है तो फोर से छोटा क्या होगा थ्री होगा थ्री बाई टू उससे छोटा क्या होगा टू होगा तो टू बाई टू मतलब वन हो जाएगा फिर उससे छोटा वन से भी छोटा जीरो होगा होगा जीरो बाई टू करेंगे तो जीरो ही आएगा जीरो भी हो सकता है फिर उससे भी छोटा माइनस वन होगा माइनस वन बाई टू फिर माइनस टू बाई टू माइनस टू बाई टू हो जाएगा तो ये माइनस वन हो जाएगा ना माइनस टू बाई टू का मतलब हो गया माइनस वन फिर माइनस टू बाई टू के बाद माइनस थ्री बाई टू इसी तरह से माइनस फोर बाई टू ये सब जो है वो टू से छोटे हैं स्मॉलर हैं क्लियर हो गया चलिए देखते हैं इसका आंसर में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा करके किया गया है कि टू कैन बी प्रेजेंटेड एज टू से छोटा पूछ रहा है ना पांच गो रेशनल नंबर तो फोर्टीन बाई सेवन देख रहा है फोर्टीन बाई सेवन एंड फाइव बाई टेन बाई फाइव फोर्टीन बाई सेवन मीन्स क्या हुआ इसको अगर काटेंगे तो टू ही आएगा और इसको भी काटेंगे तो टू ही आएगा ये दोनों टू है फोर्टीन बाई सेवन और टेन बाई फाइव अब हमको पांच रेशनल नंबर लिखना है फाइव इसके छोटा हो टू से जो छोटा हो तो फोर्टीन बाई सेवन से अगर हम छोटा नंबर लिखेंगे जैसे थर्टीन बाई सेवन देखिए यहाँ पर तो ये टू से छोटा हो गया ट्वेल्व बाई सेवन एलेवन बाई सेवन टेन बाई सेवन नाइन बाई सेवन एट बाई सेवन भी हो जाएगा ठीक है सेवन बाई सेवन भी हो जाएगा क्योंकि सेवन बाई सेवन वन होता है तो टू से छोटा ही है वो क्लियर है और या ये भी हम लिख सकते हैं कि नाइन बाई फाइव एट बाई फाइव क्योंकि टेन बाई फाइव जो है वो टू है ध्यान रखेंगे टेन बाई फाइव क्या है टू है और टेन बाई फाइव से नीचे जो भी नंबर आएंगे वो सब टू से छोटे होंगे क्लियर है चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन अब इस नंबर को नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है रिप्रेजेंट तो कैसे करेंगे नंबर लाइन एक बनाएंगे पहले ठीक है और जो हम आपको बताए थे कि डिवाइड करके बना लीजिएगा तो वन बाई थ्री आप समझिए किसके बीच में वन बाई थ्री जो है वन बाई थ्री किसके बीच में होगा जीरो और वन के बीच में होगा ना इसके बीच में आएगा माइनस फाइव बाई थ्री किसके बीच में आएगा माइनस फाइव बाई थ्री तो थ्री से डिवाइड करेंगे तो एक बार में लग जाएगा ना माइनस वन आएगा तो ये माइनस वन और माइनस टू के बीच में होगा और उसके बाद टू है तो टू है तो टू पर आएगा वो पॉजिटिव में टू का तो टू ही होगा इस तरह से आप इसको नंबर पर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे ठीक है अब टू को तो टू पर कर लेंगे आप यहाँ टू पर यहाँ टू आ जाएगा टू हो गया अब वन बाई थ्री है तो वन बाई थ्री आप देख लीजिए कि जीरो और वन के, तो के बीच में आ रहा है तो जीरो और वन के बीच में तीन टुकड़ा मैंने दो लाइन खींच देंगे तो तीन टुकड़ा हो जाएगा इसमें से आपके पास है वन बाई थ्री तो वन बाई थ्री कहां आएगा यहां आएगा ये यह वन बाई थ्री होगा माइनस फाइव बाई थ्री अब माइनस में आएंगे और काउंट कर लेंगे नंबर को जीरो के बाद वन टू थ्री फोर फाइव यहां आ रहा है तो ये हो गया माइनस फाइव बाई थ्री ओके चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला ये रिप्रेजेंट किया गया है यहां पर दिखाया गया है आपको ना जीरो के बाद वो गोल दिया है इसका मतलब ये जीरो मत समझिएगा यहां जो गोल दिया तो ये जीरो नहीं है ठीक है ना ये जीरो आपका ये है ये जीरो है और यहां पर ये पहला कट है पहला कट तो वन बाई थ्री हो गया चलिए नेक्स्ट अगला है हम लोगों का एक्सरसाइज वन पॉइंट टू इसी का सोल्यूशन है वन पॉइंट टू जो प्रॉब्लम आएगा एनसीआरटी बुक एट क्लास का एनसीआरटी बुक्स एक्सरसाइज वन पॉइंट टू इसी का सोल्यूशन अब यहां दिखाया जा रहा है आपको जो क्वेश्चन है आप बुक देख लीजिएगा सेम क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दिज नंबर लाइन ऑन नंबर लाइन ये नंबर्स को नंबर लाइन पर रेशनल नंबर है सेवन बाई फोर तो सेवन बाई फोर आप बताइए तो कहां पर आएगा सेवन बाई फोर किसके किसके बीच में आएगा वन और टू के बीच में आएगा सही है सही की गलत है या टू और थ्री के बीच में आएगा या थ्री और फोर के बीच में आएगा किसके बीच में आएगा तो हाँ पहले हम बताएं आपको डिवाइड कर लीजिएगा फोर वन या फोर फोर टू या कीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा एट हो जाएगा तो बाकी हमारे पास सेवन ही है तो फोर वन या फोर वन टाइम्स डिवाइड हुआ और कुछ रिमाइंडर बच गया मतलब कि वन से बड़ा है और टू से छोटा है तो वन और टू के बीच में आएगा ये सही आंसर हुआ वन और टू के बीच में आएगा टू थ्री में नहीं आएगा थ्री फोर में नहीं आएगा और माइनस फाइव बाई सिक्स ये किसके बीच में आएगा माइनस फाइव बाई सिक्स बताइए तो डिवाइड होगा डिवाइड करेंगे तो एक बार में भी नहीं होगा जीरो टाइम्स डिवाइड होगा इसलिए जीरो एंड ये माइनस वन हो जाएगा क्योंकि निगेटिव है तो जीरो और माइनस वन में आएगा ये <coughs> इस तो दोनों को नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर लेंगे कैसे किया गया देख लीजिए ठीक है ना वही जो यहाँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया मिक्स फ्रैक्शन में किया गया वन थ्री बाई फोर ठीक है ना सेवन बाई फोर को वन थ्री बाई फोर मतलब कि वन और टू के बीच में आया है सेवन बाई फोर था हाँ तो वन टू पहले भी बताया आपको हम वन और टू के बीच में आएगा पहले ही ना बताए हैं कि जीरो वन बताए थे पहले हां यहां पर बताए थे कि सेवन बाई फोर है तो सेवन में सॉरी सेवन में आप फोर से डिवाइड करेंगे सेवन में फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर वन या फोर और थ्री रिमाइंडर बचेगा मतलब वन और टू के बीच में आएगा वन एंड टू यही बताए थे सेम राइट यही बताया गया था चलिए आगे नेक्स्ट ये नंबर लाइन पर प्रेजेंट किया गया है देख लीजिए टू यहाँ पर है तो वन और टू के बीच में जीरो और वन के बीच में नहीं है वन और टू के बीच में सेवन बाई फोर यहाँ पर है आपका ये जो पी लिखा हुआ है और नेक्स्ट नंबर लाइन दूसरा नंबर लाइन पर अगला प्रॉब्लम है आपका माइनस फाइव बाई सिक्स तो माइनस फाइव बाई सिक्स यहाँ पर है ये निगेटिव में आ गया जीरो से देखिए जीरो के लेफ्ट में आया है जीरो के लेफ्ट में यहाँ पर यह एम से है एम माइनस फाइव बाई सिक्स सिक्स पार्ट किया गया है यहां जीरो है और यहां वन है देखिए ये वन है माइनस वन यहां पर है ये अब इसके बीच में सिक्स पार्ट है गिन लेंगे आप पांच लाइन होना चाहिए कट वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कट है सिक्स पार्ट हो गया और उसमें से फाइव आपको काउंट कर लेना है तो ये हो गया आंसर चलिए ये क्वेश्चन नंबर वन था क्वेश्चन नंबर टू उसी तरह से है ये सारे अब नंबर्स को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से क्योंकि लाइक like है टोटल ये लाइक है एलेवन like है, है सब के नीचे अलेवन है देखिए डी नोमिनेटर है तो क्या करेंगे आप और सब निगेटिव में है तो जीरो के लेफ्ट में आएंगे और ये भी एक देख लीजिएगा कि माइनस वन से ज़्यादा तो नहीं है कोई नहीं सब डिनोमिनेटर से कम है नोमिनेटर मतलब कि डिवाइड नहीं होगा तो जीरो और वन के बीच में ही आएगा माइनस वन के बीच में तो जीरो और ये जीरो हो गया और ये माइनस वन हो गया हाँ। और इसको इलेवन पार्ट कर लेंगे बीच में और नोमरेटर को काउंट करते जाएंगे जितने नंबर पर आ रहा है उस बस बैठाते जाइए ठीक है नंबर लाइन पर हो गया वेरी सिंपल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन राइट फाइव रेशनल नंबर बिटवीन विच आर स्मॉलर देन टू अब वही जो ग्रेटर देन टू था नहीं वो भी स्मॉलर देन टू ही था ना दो से जो छोटा हो उसको रेशनल नंबर को आपको यहां दिखाना है सो करना हाँ तो स्मॉलर देन टू स्मॉलर देन टू आपको बताना है तो जैसे हम पहले बताए इस टू को क्या कीजिए सिक्स बाई थ्री कर दीजिए सिक्स बाई थ्री मतलब क्या हो गया टू हो गया काटिएगा तो टू आ जाएगा ना सिक्स बाई थ्री मतलब टू ये टू ही है अब सिक्स बाई थ्री से जो छोटा है वो सबको लिख लीजिए फाइव बाई थ्री फोर बाई थ्री कितने नंबर लिखने हैं पाँच को फाइव रेशनल नंबर है फोर बाई थ्री हो गया थ्री बाई थ्री लिखिएगा तो वन हो जाएगा टू बाई थ्री लिख लीजिए वन भी लिख सकते थे बट रेशनल नंबर में लिखिए टू बाई थ्री वन बाई थ्री ठीक है कह गो हुआ वन टू थ्री फोर एक और लिखना है तो माइनस वन बाई थ्री लिख दीजिए माइनस वन बाई थ्री निगेटिव इंटीजर भी तो है तो ये सारे नंबर जो है वो टू से छोटे हो गए ना ये सब टू से छोटा स्मॉलर देन टू ओके चलिए वेरी सिंपल है इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ध्यान रखेंगे दो से छोटा रेशनल नंबर आपको लिखना है तो क्या करेंगे आप टू को फोर बाई फोर बाई सॉरी एट बाई फोर भी लिख सकते हैं एट बाई फोर ये भी तो टू ही होगा कोई भी नंबर बना लीजिए टू होना चाहिए आपका अब इसके छोटा कर दीजिए तो सेवन बाई फोर ये भी है टू से छोटा सिक्स बाई फोर ये भी टू से छोटा है फाइव बाई फोर है ना अब फोर बाई फोर लिखेंगे तो वन हो जाएगा फोर बाई फोर भी लिख सकते हैं बट वन हो जाएगा इकट के वन हो जाएगा फिर थ्री बाई फोर टू बाई फोर टू बाई फोर मिल जानते हैं वन बाई टू हो गया ये जो कि टू से छोटा है तो ऐसे भी आप बना सकते हैं कई तरह के हैं इसके सल्यूशन एक प्रॉब्लम के दस सोल्यूशन होते हैं दसों से भी ज्यादा होते हैं अब जैसे बनाए कोई भी गलत नहीं माना जाता है फाइन टेन रेशनल नंबर बिटवीन माइनस टू बाई फाइव एंड वन बाई टू अब ये ज्यादा समझने की जरूरत है कि माइनस टेन बाई फाइव है और वन बाई टू है ये दोनों के बीच में आपको कितने टेन रेशनल नंबर पता करने हैं तो सबसे पहले क्या करोगे आप एल निकाल लो एल ऑफ डी है ना डी इक्वल टू हो जाएगा टेन राइट right? अब इस टेन में ही डिनोमिनेटर को दोनों को टेन बनाना है हमको तो फाइव में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे टेन आएगा इस फाइव में टू से और टू में कितना से करेंगे फाइव से तो दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस टू बाई फाइव अब दोनों में टू से मल्टीप्लाई कर दो टू से क्या हो जाएगा माइनस फोर बाई टेन और आपका है वन बाई टू है वन बाई टू है तो इसमें क्या कितने से करेंगे टेन लाना है ना डिनोमिनेटर टेन लाना है तो फाइव से करेंगे तो ये हो गया फाइव बाई टेन अब आप नंबर काउंट कर लीजिए यदि नंबर कम पड़ते हैं तो फिर इसको डबल कर दीजिएगा किसको माइनस फोर बाई टेन और फाइव बाई टेन को डबल कर दीजिएगा टू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अगर कम आएगा तो अब पूरा आ जाता है तो लिख देंगे पूरा कोई डिफरेंस कोई अंतर नहीं है काउंट कीजिए माइनस थ्री के बाद माइनस फोर से माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर आठ को नंबर हुआ एट नंबर आपको मिल गए रेशनल नंबर बट आपको चाहिए टेन है ना तो अब टेन चाहिए हमको एट मिले हैं तो क्या करेंगे अब? अब इसी में फिर से टू से मल्टीप्लाई कर देंगे लेकिन अब सेम करेंगे दोनों में टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे डिनोमीटर दोनों में तो कितना हो गया माइनस एट बाई ट्वेंटी हो गया और ये कितना हो गया टेन बाई ट्वेंटी हो गया राइट right? हां एक ध्यान रखेंगे इसको ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है माइनस टू बाई फाइव का ही इक्विवेलेंट है माइनस एट बाई ट्वेंटी अगर इसको कटाइएगा फोर से तो फिर आ जाएगा वही माइनस टू बाई फाइव और टेन बाई ट्वेंटी इसको कटाइएगा तो वन बाई टू आ जाएगा वही नंबर है बड़ा हुआ है अब इसके बीच में जितने नंबर है उसमें से दस गो नंबर लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल माइनस सेवन बाई ट्वेंटी देखिए पहला माइनस सेवन बाई ट्वेंटी माइनस सिक्स बाई ट्वेंटी माइनस फाइव बाई ट्वेंटी ऐसे लिखते हुए दस गो नंबर आप लिख लेंगे ओके चलिए क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव सेवन क्वेश्चन है पहले बता दे आपको घबराएंगे नहीं सेवन क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज के करेंगे और टू कंप्लीट है आपका अब इसी का सोल्यूशन है जो अभी हम आपको बताएं उसी का सोल्यूशन है देखिए माइनस सेवन बाई ट्वेंटी यहां देख रहे हैं माइनस सेवन बाई ट्वेंटी ये टोटल नंबर यहां पर आ गया आपका जो ये दोनों के बीच में है इधर माइनस टू बाई फाइव होगा क्योंकि माइनस सेवन बाई ट्वेंटी से पहले आप लिखोगे तो क्या होगा माइनस सिक्स बाई ट्वेंटी ठीक है और टू बाई टेन लास्ट में जो दिया हुआ है वो वन बाई क्या है टेन है ठीक है ना आगे बढ़ते जाएगा इसलिए अनंत है ना इसका तो कल अंत नहीं है जितना आपको दस गो चाहिए दस गो लिखा गया है तो इसको आप कटाएंगे तो दोनों किससे कटेगा थ्री ए, टू से कटेगा टू थ्री या सिक्स माइनस थ्री हो गया अभी टेन हो गया माइनस थ्री बाई टेन हो गया ठीक है नहीं और नीचे आएगा और नीचे आएगा आपका माइनस फोर ठीक है माइनस सेवन है माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस ये माइनस में अनंत तक चला जाएगा तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है और इक्विवेलेंट आप लाने के लिए उसको देख लेंगे कि माइनस टू बाई फाइव ये हमको लाना है इसमें से बीच में हमको लिखना है माइनस टू बाई फाइव कहाँ पर आएगा सोचिए जरा ट्वेंटी हम लिखिए हैं ना तो फोर माइनस एट से अच्छा तो यहाँ माइनस सिक्स नहीं होगा माइनस सिक्स तो यहाँ आगे है हम गलती किए हैं यहाँ पर होगा आपका माइनस सेवन है तो माइनस एट ये गलती हुआ था माइनस एट बाई ट्वेंटी ठीक है ये आपका हो जाएगा आप दोनों को फोर से कटा दीजिएगा तो माइनस टू हो गया और फोर फाइव जो ट्वेंटी देखिए माइनस टू बाई फाइव आ गया ये वाला नंबर ठीक है ना यही होता है इसमें चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन है फाइव रेशनल नंबर निकालना बीच में ऑलरेडी आप निकाल लेंगे क्या करेंगे सबसे पहले थ्री और फिफ्टीन के एलसीएम लिख लेंगे एलसीएम सी थ्री और फाइव का तो फिफ्टीन होगा अब इसी फिफ्टीन में आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे थ्री फाइव या फिफ्टीन तो फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू मल्टीप्लाई फाइव एंड थ्री मल्टीप्लाई फाइव सेम एकदम कंडीशन है तो टेन बाई फिफ्टीन हो गया ये सॉरी टेन बाई फिफ्टीन और फोर बाई फाइव है तो इसमें फाइव थ्री या फिफ्टीन होता है थ्री होगा यह थ्री और फाइव कहाँ तो से आ रहा है मालूम है ना इससे डिवाइड कर रहे हैं इस एल में थ्री फाइव या फिफ्टीन तो यहाँ फाइव लिखे हैं अब फोर थ्री या फिफ्टीन तो यहाँ थ्री लिखे हैं तो ये हो गया ट्वेल्व बाई फिफ्टीन अब आप देख लीजिए कि टेन आया है और ट्वेल्व आया है दोनों के नीचे फिफ्टीन है तो टेन के बाद एलेवन ट्वेल्व बस एक नंबर हमको मिला हमको लिखना है फाइव पाँच नंबर तो क्या करेंगे फाइव से मल्टीप्लाई कर लीजिए फोर से कर लीजिए मिल जाएगा आपको ठीक है तो अब मान लो हम फोर से करते हैं तो फोर से करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर्टी फोर्टी बाई सिक्सटी और ये फोर से करेंगे तो फोर्टी एट फोर्टी एट बाई सिक्सटी अब मिल गया पाँच को? फोर्टी बाई सिक्सटी फोर्टी एट बाई सिक्सटी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन सात को मिल गया उसमें से तो कोई पाँच नंबर आप लिख लीजिए पाँच ही नंबर लिखना है ओके okay? चलिए इसी तरह से नेक्स्ट सेकेंड वाला भी बना लेंगे आप टू और थ्री का एल्शियम कर लेंगे सिक्स हो जाएगा एल्सियम है ना अब बता दिया गया रूल आपको आ गया अब आपको बनाने में मजा आएगा आप स्वयं बनाइए तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे समझाने की अपेक्षा चलिए नेक्स्ट देखिए अगला इसी का सोल्यूशन है टू बाई थ्री वाला पहला का तो देखिए सोल्यूशन में क्या एल्सीम निकाला गया है लिखा गया है ट्वेल्व बाई फिफ्टीन न पहला आया है और दूसरा आया है कितना टेन बाई फिफ्टीन और टेन बाई फिफ्टीन और ट्वेल्व बाई फिफ्टीन तो टेन को क्या फोर्टी किया गया फोर्टी बाई सिक्सटी और ट्वेल्व को फोर्टी एट बाई सिक्सटी बीच वाला नंबर लिख दिया गया ओके okay. चलिए और दूसरा भी उसी तरह से बना हुआ है निगेटिव वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट फाइव रेशनल नंबर बिटवीन ग्रेटर देन माइनस टू अब माइनस टू से बड़ा पांच को आपको नंबर लिखना है रेशनल नंबर जो माइनस टू से बड़ा हो तो क्या करेंगे आप माइनस एट बाई फोर लिख सकते हैं क्या आएगा कटाइएगा तो माइनस टू आ जाएगा अब इससे बड़ा नंबर आपको लिखना है तो इससे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा माइनस सेवन बाई फोर माइनस सिक्स बाई फोर क्योंकि इससे बड़ा होते जाएगा माइनस एट से बड़ा है माइनस सेवन माइनस फाइव बाई फोर माइनस फोर बाई फोर मतलब माइनस वन हो गया ठीक है ना माइनस थ्री बाई फोर इस तरह से आप पांच गो नंबर नंबर लिख लेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट वही किया गया है सेम चीज है आप एक एक क्वेश्चन के करे कई आंसर हैं आप दूसरे आंसर भी लिख सकते हैं यहां क्या किया गया है माइनस फोर बाई टू किया गया है यहां पर ये यह जो हम एट लिखे थे ना उसको माइनस फोर बाई टू किया गया है तो कटाएंगे तो माइनस टू आ जाएगा तो वही है माइनस थ्री बाई टू देखिए यहां पर माइनस थ्री बाई टू माइनस टू बाई टू माइनस वन हो गया माइनस वन बाई टू जीरो और वन बाई टू पांच गो आ गया क्लियर है चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका ये सेवन फाइव टेन रेशनल नंबर बिटवीन थ्री बाई फाइव एंड थ्री बाई फोर सेल्फ आप बनाएंगे क्लियर है बन जाएगा टेन रेशनल नंबर दस गो रेशनल नंबर आपको बताना है दस गो कितने का इस दोनों के बीच में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एलसीएम सी ट्वेंटी होगा ना एलसीएम देखिए ट्वेंटी हुआ अब ट्वेंटी में इस फाइव से डिवाइड करेंगे ये फाइव से तो फोर आएगा अब फोर से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे पूरा ऊपर नीचे दोनों में फोर से मल्टीप्लाई तो फोर थ्री या ट्वेल्व और फोर फाइव या ट्वेंटी ये हो गया अब ट्वेंटी में इस फोर से डिवाइड करेंगे दूसरा डिनोमिनेटर तो फोर फाइव या ट्वेंटी फाइव आएगा और फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों में ठीक है तो फाइव थ्री या फिफ्टीन हो जाएगा और 15 बाई ट्वेंटी हमको बताना है दस गो कै गो आया अभी हमारे पास 12, 13, 14 दो गो नंबर मिला 13 और 14 बस दो ही नंबर मिला बताना है 10 अब क्या करेंगे तो इसको बढ़ाएंगे ये इस दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अब ध्यान रखिएगा तो इसमें भी फाइव से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में और इसमें भी फाइव से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में अब आपके पास क्या हो गया सिक्सटी बाई हंड्रेड और इधर क्या हो गया सेवेंटी फाइव बाई हंड्रेड सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में हम लोग कर चुके हैं अब ये दोनों के बीच में जितने नंबर आते हैं उतने बाई हंड्रेड करके लिख लीजिए आप ओके okay? चलिए तो अभी तक हम लोग जो समझे आज क्लियर समझे और इसको प्रैक्टिस करेंगे ओके स्टूडेंट्स एकदम मन से देखिए समझना एक अलग अभ्यास नहीं विद्या विद्या अभ्यास की चीज है जितना आप समझे हो कॉपी निकालो और अपने से भी क्वेश्चन लेकर के और उसको सॉल्व कीजिए कोई भी रेशनल नंबर ले लो उसके बीच का नंबर चार पाँच आठ अपने मन से लिखो क्वेश्चन और उसको सॉल्व करो ओके थैंक्स जय हिंद जय भारत